हे गाइस, मी आरजे चेमन, होप यू ऑल गुड। एक टाइम की बात है, जब टाइम था रात के 12:50, मैं बिल्कुल अकेले जा रहा था। सड़क था बिल्कुल सुनसान, बगल में था मुस्लिम कब्रिस्तान, वहाँ से थोड़ी दूर में था एक मकान, मकान के नीचे फ्लोर में था किराने का दुकान। कभी जाने के कारण हो गई थी उनसे पहचान, जाकर देखा हुआ मैं परेशान, क्योंकि बंद था मकान, बंद थी दुकान, बंगला था आलीशान, मगर नहीं था वहाँ कोई इंसान। मेरी तो निकल सी गई जान, सुन्न पड़ गए आँख और कान, बंद पड़ गई थी मेरी जबान। आहट हुई, पीछे मुड़ा, देखा तो था शैतान। फिर क्या, उसको उठाया और पटक दिया धड़ाम से। मैं डरता थोड़ी हूँ, भूत है तो क्या हुआ, अपने घर का होगा भूत, चल हट भूतनी के। तो क्यों, शुरू करें? डर क्या होता है? डर पापा की डांट का, माँ के अधिक प्यार का, भाई बहन जब आपके सीक्रेट्स जान ले तब उसका। ओके, ये मजाक था। डर एक फीलिंग है जो हम किसी भी चीज़ को करने के लिए ना कर पाने की स्थिति में प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम किसी का खून नहीं कर सकते क्योंकि हम डरते हैं, और जो नहीं डरते वो कर भी सकते हैं। हम दुनिया में बनाई हुई किसी भी चीज़ से डर सकते हैं। हर इंसान डरता है किसी भी चीज़ से हो। बच्चे डरते हैं भूत प्रेत से, लड़के डरते हैं एग्ज़ाम से, लड़कियां डरती हैं कॉकरोच से, और बुजुर्ग डरते हैं बुढ़ापे से। डरना मना है, बट नहीं, डरना ज़रूरी है, क्योंकि डर हमें किसी गलत काम को करने से रोकता है। जैसे पुलिस का डर हमें मर्डर, रेप, हिंसा करने से रोकता है। पापा का डर हमें घर में ही चोरी करने से रोकता है। कानून का डर हमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी करने से रोकता है। और सर्वशक्तिमान भगवान का डर हमें कुछ भी गलत करने से रोकता है। भूतों के रहने का स्थान हमेशा से पुरानी घर, हवेली, खंडहर ही रहा है। भूत का नाम सिर्फ भूत होता है। इसका काम लोगों को डराना होता है। ये दिखने में डरावने होते हैं, अजीब विचित्र हाथ पैर, चेहरा भी अजीब डरावना, दांत बहुत बड़े बड़े, बाल भी बड़े, नाखून भी बड़े। ये सब पुराने ज़माने के भूतों के लक्षण हैं। आजकल के भूत बहुत बदल चुके हैं। भूत अगर फीमेल हो तो सफ़ेद साड़ी में रहती है, दिखने में बिल्कुल डरावनी लगती है। भूत आगे पीछे सिर मोड़ सकता है, उनके पैर उल्टे होते हैं, वे शीशे या दर्पण में दिखाई ही नहीं देते। भूत गायब भी हो सकते हैं, उनकी आवाज़ हमेशा डरावनी या गुर्राने वाली होती है। खैर, मैंने तो भूत देखा नहीं है, मैंने भूतों को सिर्फ फिल्मों में देखा है, उसके अलावा और कहीं नहीं देखा। तो चलिए चलते हैं फिल्मी दुनिया में और देखते हैं भूतों को करीब से। तो भूत को बांधने की कोशिश पर रहे नाकाम। ये भूत है, तुम्हारे घर का गाय बैल नहीं है। तो आखिरकार इन्होंने सक्सेसफुली भूत को बांध दिया, और भूत ने भी दे दिया अपने बाहुबल का परिचय और दिखा दिया कि मैं भी स्तंभों को तोड़ सकता हूँ। ही ही हा हा। हर फिल्म में भूत को मरना ही होता है, और आखिरकार इस भूत को भी मिली दर्दनाक, भयंकर और बेरहम मौत। मुझे इस भूत पर दया आ रही है। एक बार फिर से वही रस्से से बांधने की कोशिश भूत को, पर इस बार भी रहे नाकाम। ये क्योंकि भूत है, तुम्हारे घर का गाय बैल नहीं है जो बंद जाएगा ऐसे ही। और ये उठाया भूत ने और दोनों को एक एक साइड फेंक दिया, और ये रॉड से मारने की कोशिश, ओ रॉड को मोड़ दिया भाई, और शैतान यहाँ पे जाग चुके हैं। ओह, लड़की ने इससे आसानी से पीछे छुड़ा लिया। ये लड़की नहीं, सुपर गर्ल है, और ये भूत नहीं, पुलिस है। साला चोर पुलिस खेल रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो, भूत हो तुम, चोर पुलिस चल रहा है यहाँ तो।
और ये क्या स्पाइडरमैन जंप लगा रहे हो? भूत किससे डरता है? भूत डरता है हनुमान चालीसा से। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो ख़त्म करें।